राजधानी दिल्ली में बच्चों के साथ रेप होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर इलाके में नाबालिग लड़की के साथ पास ही में रहने वाले युवक ने बहला फुसलाकर रेप किया। बाद में जब लड़की घर पहुंची और उसकी तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मिली जानकारी के अनुसार उसका नाम रजनीश है और लड़की के परिजनों के अनुसार लड़की को उसकी सहेली खेलने के बहाने बुलाकर ले गई थी। उनके अनुसार वो सट्टा चलाता है। मतलब मैं लड़की गई यहाँ से खेलने के लिए लेके गई, तो वो लड़की कह रही मेरे साथ चल रही है कॉपी पेंसिल लेने, तो वो लड़की लेके उसको चली गई। वो कह रही चल कॉपी पेंसिल लेके आते, वो लड़के का पीछे घर है, इधर से ले गए। कह रही इधर कहाँ, कह रही मेरा भाई देख लेगा, तो अंदर अंदर के रास्ते से चलते हैं गलियों में से, तो वो ऐसे करके खूबी से अंदर ले गए, अंदर ले गए वो उसको। वो लड़का यहीं पे है पर अभी अंदर कर दिया उसको, वो वहाँ पे सट्टे चलाता है और लड़कियाँ रखता है और बहुत सारे पैसे वाला है, वो बतेरे पैसा वाला है। वो कहता है पैसे की लालच देता है, बच्चों को टॉफियाँ वोफियाँ देता है। छोटी छोटी की लड़कियों के साथ, बहुत जनियों के साथ उसने बुरा कर्म कर लिया उसने। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन राजधानी में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं चिंता का कारण है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।